सो दिस इज अ न्यूज स्पेशली फॉर सीयूटी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी 2024 में सीयूटी यूजी के लिए एग्जाम दिया था। आपको पता, आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं सारे। हेलो एवरीवन, दिस इज निशी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो दिस इज अ न्यूज स्पेशली फॉर सीयूटी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी 2024 में सीयूटी यूजी के लिए एग्जाम दिया था। आपको पता, आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं सारे एंड बट अभी भी कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो बच्चे बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि कैसे आंसर की आएगी, कब उन्हें कॉलेज मिलेंगे, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी या कब कट ऑफ रिलीज होगी। अभी जब ऑफिशियल आंसर की ही नहीं आई है तो कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। ये इसलिए हुआ है, एनटीए की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एनटीए की तरफ से नीट के एग्जाम खराब हुआ है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने से भी रह भी गए हैं और बहुत सारे कैंसिल हो गए हैं जो दोबारा भी होंगे शायद, ठीक है। तो सीयूटी जिन जिन बच्चों ने दिया है उनको लिए एक स्पेशल न्यूज मैं बोल रही हूँ। या आपको याद होगा पहली वीडियो में शेयर की थी जब सीयूटी का एग्जाम पैटर्न हमने समझाया था, या आप चाहो तो एनटीए की वेबसाइट पर जाके सीयूटी का स्पेशली सेक्शन आप चेक कर सकते हो। वहां पे ये है कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, तो आपको नहीं पता कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब आपकी आंसर की आएगी और कब आपको कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है, और कब कट ऑफ आएगी। तो बहुत सारे कॉलेज, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपका एडमिशन स्टार्ट कर रहा है किसी भी उस पर, तो प्लीज आप जाके वो चीज खराब मत कीजिए, जाके एडमिशन ले सकते हो, फीस सबमिट कर लो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, किसी भी कॉलेज अगर उन्होंने सीट्स रिलीज की हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, तो वहां जाके आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। और जब आपकी सीयूटी का ऑफिशियल आंसर की या काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो 1000 रुपीज उसमें से डिडक्ट होके बाकी की सारी फीस आपको वापस मिल जाएगी। सो ये न्यूज थी कि डोंट वेस्ट योर टाइम। जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि कोई कॉलेज मिल रहा है या दिख रहा है उन्हें कि कोई कॉलेज अपना एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, तो वहां जाके एडमिशन ले लें। आपकी फीस 1000 रुपीज डिडक्ट होकर सारी आपको वापस मिल जाएगी, ताकि आप सेफ साइड पे भी रहेंगे और जब सीयूटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसकी ऑफिशियल की आंसर की आएगी या जो भी प्रोसीजर स्टार्ट होगा आप वहां पे भी बैठ सकते हो जाके, तो आप सेफ साइड पे रहोगे। सो दिस वॉज द न्यूज, थैंक यू सो मच।